एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सम कैसे निकालते हैं। इफ ए इक्वल टू ए आई जे और बी इक्वल टू एंड बी इक्वल टू ए आई जे, तो जब सेम ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के होंगे जब इनका इक्वल होगा, ठीक है, जब सेम ऑर्डर के होंगे जब इनका क्या होगा एडिशन होगा, इक्वल होंगे जब इनका क्या होगा एडिशन होगा। तो ए प्लस बी निकालेंगे तो हम इसका एडिशन का सम करेंगे तो ए आई जे प्लस ए आई जे लेट मान ली हमारे पास क्वेश्चन है ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 4 6, बी इक्वल टू दे रखा है 7 8 9 7। यदि इनका सम निकालना है तो ये 2y2 का है, ये भी 2y2 का ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर है इनका, तो इनका सम निकालेंगे तो a प्लस बी इसको एडिशन करें 1 2 4 6 प्लस 7 8 9 7, तो 1 1 1 और 7 8, फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसका इसमें करेंगे 10, 4 और 9 13, 6 और 7 13, क्या होगा इसका एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। सेम ऑर्डर की है तो ये भी 2x2 का ही निकलेगा, किसका आएगा 2x2 का ही आएगा सेम ऑर्डर का। अब आता है इसका सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। If A equal to A I J and B equal to B I J, तो इनका सम निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो A माइनस B equal to A I J माइनस B I J, सेम ऑर्डर होंगी m into n, m into n, ये भी m into n, m into n। लेट a इक्वल टू हमारे पास कोई भी मान ले लें 2 6 7 8, b इक्वल टू 3 6 9 8, तो इसका a माइनस के b निकालेंगे तो 2 6 7 8 माइनस 3 6 9 8, इसमें इसको माइनस करना है तो 2 माइनस 3 तो -1, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस के 9 तो माइनस के 2, 8 माइनस 8 0, 2x2 का, ये भी 2x2 का था,
मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन जब ही होगा जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी। मल्टीप्लिकेशन जब ही हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स हैं, ए और बी मैट्रिक्स हैं, तो यह सेम ऑर्डर की होंगी। जब ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, बी इक्वल टू दे रखा हमारे पास थ्री फाइव सिक्स सेवन, तो इसका ए बी निकालेंगे। वन टू थ्री फोर थ्री फाइव सिक्स सेवन, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम में इंटू करते हैं, इसका इसमें इंटू करते हैं ऐसे, इसका इसमें और इसका फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का इंटू सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम में करते हैं। इसका वन का वन का करेंगे टू में तो थ्री में, तो थ्री टू का करेंगे सिक्स में तो प्लस ट्वेल्व। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू सिक्स। आगे इसी का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू सेवन। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड होता थर्ड कॉलम में भी करते हैं तो थ्री का इसमें करेंगे थ्री थ्री इंटू थ्री प्लस फोर का करेंगे सिक्स में फोर इंटू सिक्स। इसका इसमें किया थ्री इंटू फाइव थ्री इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस, और इसका इसमें करेंगे तो फोर इंटू सेवन। इसको सॉल्व कर लेंगे इतना आया थ्री प्लस ट्वेल्व फाइव प्लस के फोर्टीन नाइन प्लस के ट्वेंटी फोर फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी एट, इनको ऐड कर लेंगे अब ये हो जाएगा फिफ्टीन, ये हो जाएगा नाइनटीन, ये हो जाएगा तुम्हारे थर्टी थ्री, ये हो जाएगा तुम्हारे फोर्टी थ्री, ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ये हमने किया था टू बाय टू का, टू बाय टू का स्क्रीनशॉट ले लें, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लें।